हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, जेपी पावर वेंचर्स, जेपी जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की ओर से गाइस जून क्वार्टर के फिनांशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे अनऑडिटेड स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड दोनों फिनांशियल रिजल्ट आउट हो चुका है। फर्स्ट क्वार्टर का नंबर लैक्स में लेफ्ट में स्टैंड अलोन, राइट में कंसोलिडेटेड। पहले कंसोलिडेटेड कवर करेंगे। इनकम है 1779 करोड़ का, मार्च 24 में 1863.6 करोड़ का, जून 23 में 1714.7 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। एक्सपेंस हुआ 1121 करोड़ का, मार्च 24 में 1013 करोड़ का, जून 23 में 1420.7 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में एक्सपेंस भी इंक्रीज किया है जिसके कारण प्रॉफिट में डाउन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में एक्सपेंसेस भी डाउन है। और गाइस, पिछले क्वार्टर में मार्च 24 में 302.4 करोड़ के एक्सेप्शनल आइटम्स में खर्च हुआ था, लेकिन इस बार वैसा कुछ नहीं हुआ। इसके कारण प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 587.7 करोड़ का, मार्च 24 में 588 करोड़ का, जून 23 में 294 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है, लेकिन नेट प्रॉफिट में डाउन है क्योंकि कंपनी को टैक्स बहुत ज़्यादा पे करना पड़ा। इस बार का डेफर टैक्स 239 करोड़ का पे करना पड़ा, इसी कारण से प्रॉफिट बहुत ज़्यादा डाउन हुआ। नेट प्रॉफिट 348.5 करोड़ का, मार्च 24 में 588.7 करोड़ का, और जून 23 में 191.6 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। EPS 0.4 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। तो गाइस, कंपनी का कंसोलिडेटेड में क्वार्टर ऑन क्वार्टर के इनकम प्रॉफिट दोनों में डाउन है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया। गाइस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में प्रॉफिट में डाउन होने का रीजन क्या है? टैक्स, डेफर टैक्स इस बार चार्ज बहुत ज़्यादा किया गया था। स्टैंड अलोन में इनकम है 1779 करोड़ का, मार्च 24 में 1863.5 करोड़ का, जून 23 में 1714.6 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ईयर में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 1191.3 करोड़ का, मार्च 24 में 1012.9 करोड़ का, और जून 23 में 1420.7 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज किया है, ईयर ऑन डिक्रीज किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 587.6 करोड़ का, मार्च 24 में 212 करोड़ का, और जून 23 में 293.9 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया। नेट प्रॉफिट कंपनी का है इस बार का 348.4 करोड़ का, 24 में 252.8 करोड़ का, और जून 23 में 191.5 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया, जबकि कंसोलिडेटेड का क्वार्टर ऑन क्वार्टर के प्रॉफिट में डाउन था। EPS 0.4 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। सेगमेंट वाइज पावर, कोल, सैंड माइनिंग, अदर्स, सीमेंट, ग्रिंडिंग एक्सेट्रा, इन सभी से रेवेन्यू जनरेट कर रही है। जो कि गाइस, रेवेन्यू नो डाउट क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है, ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया, लेकिन स्टैंड अलोन में एक्सपेंस उतना ज़्यादा नहीं हुआ, टैक्स उतना ज़्यादा पे नहीं करना पड़ा, इसके कारण प्रॉफिट इंक्रीज किया। लेकिन कंसोलिडेटेड में टैक्सेस बहुत ज़्यादा पे करना पड़ा, इसके कारण प्रॉफिट में डाउन देखने को मिला है। तो ओवरऑल गाइस, कंपनी का रिजल्ट ठीक ठाक, अच्छी रिजल्ट पेश किया, ठीक ठाक रिजल्ट है। और जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो डाउनफॉल देखने को मिला, इसके वजह कंपनी के शेयर को इंपैक्ट कर सकता है। शेयर की बात करें, 19.67 रुपीज़ पर शेयर क्लोज किया कल के दिन, 4.4% का प्रॉफिट दिया है। 5 डे में 11% का प्रॉफिट है, 1 मंथ में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन 6 मंथ्स में 16% का प्रॉफिट है। कंपनी जो है 19 जुलाई को एक सपोर्ट लिया था 17.92 रुपीज़ पर, लेकिन उसके बाद कंपनी बहुत अच्छी ग्रोथ किया। अगर मंडे कोई नेगेटिव ओपन होता है गाइस, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें जो है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। अगर पॉजिटिव ओपन होता तो आप इसमें जो है अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो इसलिए गाइस, कल मंडे को अब इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या पोजीशन बनाता है, नेगेटिव ओपन होता है या पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव ओपन होता है तो 20.45 का टारगेट ले सकते हैं, और निगेटिव होता है गाइस तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया 17.9 रुपीज़ का टारगेट ले सकते हैं। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।